रतिया में बेपटरी हुई स्ट्रीट लाइट व्यवस्था शाम होते ही अंधेरे की आगोश में डूब जाता है पूरा शहर। नगर पालिका और बिजली निगम के बार बार शक्कर लगाने के बावजूद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। आक्रोशित शहरवासी शिकायत ले पहुंचे एसडीएम कार्यालय। रतिया में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पिछले लंबे समय से जी का जंजाल बना हुआ है। शाम होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। क्या बाजार, क्या गलियां, क्या मोहल्ला, और हर ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। अंधेरे का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। दो विभागों के बीच उलझी स्ट्रीट लाइट आम जन मानस के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। मामले को लेकर शहरवासी कई बार संबंधित विभागों के चक्कर लगा चुके हैं, मगर दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ने लगते। विभाग के लाल पिताशाही से परेशान शहरवासी आज रतिया एसडीएम से मिले और एक मांग पत्र सौंपा। एसडीएम को सौंपी मांग पत्र में शहरवासियों ने मांग किया कि शहर की स्ट्रीट लाइट दुरुस्त की जाए। रतिया शहर अंधेरे में डूब जाता है। नशा करने वाले लोग अंधेरे का लाभ उठाकर जहां तहां नशे करते हैं, वहीं अंधेरे के कारण चोरी की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। एसडीएम ने शहरवासियों को स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया है। आज का मुद्दा जो हमने फोकस किया है वो शहर की स्ट्रीट लाइटों के बारे में है। बिजली विभाग ने कुछ समय पहले नए मीटर लगाए थे, नए खंभे लगाए थे, जिसकी वजह से जो गलियों की स्ट्रीट लाइटें थी उनके कनेक्शन को काट दिया गया। उसके बाद गलियों में अंधेरा छाया रहने लग गया, जिसके बाद स्नैचिंग जैसी वारदातें होने लगी हैं और नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है। अधिकारियों से मिल चुके हैं, अधिकारियों को लिखित में दे चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने ये फैसला लिया था कि हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, तो उसके बाद जो भी रणनीति होगी, सभी जो फैसला लेंगे, हमारी सारी कमेटी को मंजूर होगा।